भाव सर। तो आज मंडे कमेंट बॉक्स जो जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं इस हफ्ते भर में, तो मैंने सारों के लगभग 100% उनको आंसर दिए हैं। 99 से 100% तक मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर आप वीडियोस के नीचे कमेंट करते हो, अगर क्वेश्चन पूछते हो, तो उसका आंसर देना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो अभी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके लिए भी जरूरी हो सकते हैं, आपके भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो मैं उनके आंसर अभी दूंगा आपको। सागर किसान जी ने पूछा है कि बहुत अच्छा है भाई, आपका मोबाइल नंबर दो। तो सागर खान जी, मेरा मोबाइल नंबर तो हर एक वीडियो में होता है, लेकिन मैं फिलहाल कोई भी नंबर रिसीव नहीं करता हूँ, क्योंकि 570 वीडियोस यूट्यूब पे मेरी ऑलरेडी अपलोडेड है। हर एक वीडियो में एक एक कमेंट भी आता होगा, तो मेरा बहुत सारा टाइम कमेंट बॉक्स में जाएगा, और वो जाना भी चाहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर फोन पे बोलना हो, व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना हो, तो आई कांट डू इट। अगर ट्रेनिंग लेनी हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, या फिर वीडियोस में ही बोल सकते हो, लेकिन मैं फोन रिसीव नहीं करता हूं अभी तो फिलहाल। तो थैंक यू सागर किसान जी। प्राची बुराड़कर जी ने पूछा है, मेरी पैठनी सारी मैंने ड्राई क्लीन करवाने के लिए दी थी पुणे में, क्लीनर ने सारी की सारी शाइन निकाल दी और कलर्स भी फेड हो गया है, ऐसा कोई टेक्निक है क्या जिससे एटलीस्ट साड़ी में पहले जैसा शाइनिंग आ सके? तो ये बात थोड़ी सी इम्पॉसिबल लग रही है मुझे, लेकिन आप अगर MTO से अगर ड्राई क्लीनिंग कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, अच्छे से शाइन वापस आ सकती है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर पैठनी साड़ी ड्राई क्लीनिंग के लिए देंगी, तो आप पेट्रोलियम केमिकल से ड्राई क्लीनिंग करने का बोलिए शॉप ओनर को, तो आपकी साड़ी खराब नहीं होगी। तो प्राची बुराड़कर जी, थैंक यू क्वेश्चन पूछने के लिए। प्रकाश चौधरी जी ने कहा है, फ्री डिलीवरी ड्राई क्लीन आयरन, ड्राई क्लीनिंग के लिए आयरन के लिए फ्री डिलीवरी ये करेंगे। फिर मैंने उनसे कहा कि सर आप कहाँ से हो, तो ये मुंबई से है, और उनका नंबर भी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। अगर आप मुंबई से हो, सर्विस लेना चाहते हो, तो ले सकते हैं। थैंक यू प्रकाश चौधरी जी। अभी एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है लॉन्ड्री ओनर्स के लिए, सर आप पगार क्या देंगे, मैं ये काम करना चाहता हूँ, आप पगार क्या देंगे, ने मेरे पास वो जॉब के लिए आना चाहते हैं। शिव दादा जी का एक क्वेश्चन है, उसके बाद में सुखसेन्द्र जी, उनका भी यही है कि सर मैंने इसमें जॉब चाहता हूँ, क्या सैलरी देंगे? तो इन्होंने अपना नंबर नहीं बोला है, और मेरा इतना काम है कि मैं अकेला अच्छे से हैंडल कर लेता हूँ। अगर आपको लॉन्ड्री में कुछ काम आता होगा तो प्लीज मुझे बताइए, आपके नंबर दीजिए, मैं आपको जॉब दिलवा सकता हूँ, अगर आपको इसमें ऑलरेडी काम अच्छे से आता होगा। बहुत लोगों को एम्प्लॉयज की जरूरत है। तो थैंक यू सुखसेंद्र सिंह जी एंड शिव दादा जी, थैंक यू। सुखसेंद्र जी ने दूसरे एक वीडियो में उनका एक कमेंट भी किया था वापस से कि सर कोई लॉन्ड्री में जॉब हो तो प्लीज मुझे बताओ, तो उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। अगर आपको एम्प्लॉयज की जरूरत होगी तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सुखसेंद्र जी, थैंक यू। हृदय जीत जी ने कहा है कि ओमान में डिलीवरी कर सकते हैं स्टीम आयरन टेबल की, तो सर आप लकी लॉन्ड्री इक्विपमेंट राजसन को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो जरूर वो आपको ओमान में भी डिलीवर कर देंगे कस्टम्स के थ्रू। तो आप इसके लिए आप उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, वीडियोस में मैंने उनके कांटेक्ट नंबर दिए हैं, थैंक यू। पवन बंसाई जी ने पूछा है कि हाउ टू रिमूव स्मेल ऑफ MTO फ्रॉम कोट, MTO की स्मेल कोट ड्राई क्लीनिंग, इन्होंने कोट ड्राई क्लीनिंग किया है MTO से, तो उसकी स्मेल कैसे जाएगी? तो सर MTO डिपेंड करता है फैब्रिक की क्वालिटी पे कि वो स्मेल कितने देर बाद छोड़ेगा भी या नहीं छोड़ेगा, और कितना उसको टाइम लगेगा। तो कोट और ब्लेजर पैंट MTO से मैंने आज तक कभी भी ड्राई क्लीनिंग नहीं किया है। ड्राई क्लीनिंग एट होम, मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियोस है, उसी तरह से मैं ड्राई क्लीनिंग करता हूँ, लेकिन मैंने MTO से ड्राई क्लीनिंग कोट आज तक भी किया नहीं। तो अगर आप उसको धूप में डाल सकते हो तो धूप में सुखाइए, उसके बाद में आप वापस से उसको वॉश करके देखिए अगर स्मेल जाती हो तो, लेकिन MTO से स्मेल जाएगी नहीं, कोट का फैब्रिक होता है, उसके बाद में उसको अंदर में भी लेयर होता है, तो वो उसके वजह से नहीं छोड़ता है जल्दी स्मेल। तो मैं तो नहीं
करता हूँ MTO से कोट रैगनिंग, सिर्फ साड़ी आई करना पसंद करता हूँ या फिर कलर लूज कपड़ों के लिए। तो थैंक यू पवन बंसल जी। अरुण भेंडीगिरी जी ने पूछा है कि सर आपका एड्रेस मैसेज करो, हम इधर से टॉप लेके आपके यहाँ आएंगे, सर प्लीज बताइए। उनका दूसरा भी और एक क्वेश्चन है कि हम लॉन्ड्री वाला बेलगम से हूँ, हमारे पास एक टॉप आया था वॉश करने के टाइम पे, टॉप को कलर मिक्स हो गया है, सर प्लीज टेल मी हाउ टू रिमूव दिस टॉप, प्लीज प्लीज कलर कैसे निकालें, निकालना पड़ेगा प्लीज बताएं। तो सर इसमें मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता हूँ आपकी, अगर आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस अगर चाहिए तो राकेश जुरेजा जी जो हमारे साथ एवरी संडे लाइव सेशन में आते हैं वो फीस लेते हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल एडवाइजर हैं, लॉन्ड्री बिजनेस से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड आपको एडवाइस दे सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो फिर वो अप्लाई कर सकते हो, आप उनको फोन कर सकते हो, उनका फीस पेड कीजिए और उनसे ओपिनियन लीजिए और अपना जो डैमेज हुआ हुआ कपड़ा है तो उसको क्लीन कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, अगर आपको ये काम अच्छे से आता नहीं होगा, सिर्फ शॉल शॉप शुरू करने से, थोड़ा बहुत ड्राई क्लीनिंग का काम करने से या वीडियोस देख के आप 100% परफेक्ट नहीं होते हो, इसके लिए आपको बेसिक लॉन्ड्री बिजनेस ट्रेनिंग की जरूरत होती है जो हम यहाँ पे देते हैं। उस ट्रेनिंग से होता है कि आपसे कपड़े डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं, कलर लूज कपड़े को कैसे हैंडल कर रहे हैं कि थ्योरी आपको मिल जाती है, उसको प्रैक्टिकली भी अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे और उससे आपका डैमेज नहीं होता है। तो बस यही है, अगर आपको अभी रिपेयर करना है तो राकेश जुरेजा से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनकी उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा या संडे को लाइव भी आते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड। अरुण भेंडीगिरी जी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यही तक थी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वही मैंने पिक किए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे ही देता हूँ, वहां पे मैं ज्यादा एक्टिव होता हूँ, व्हाट्सएप पे या फोन कॉलिंग जो आप लोग करते हो तो मैं उसी के वजह से नहीं उठा पाता, बहुत ही सॉलिड रीजन है कॉल रिसीव ना करने के और व्हाट्सएप पे रिप्लाई ना देने के। यूट्यूब कॉमेंट बॉक्स में अगर आप कॉमेंट करते हो, क्वेश्चन करते हो तो मैं उनको जरूर ही आपको रिप्लाई करूंगा, आपके क्वेश्चन के आंसर दूंगा यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, तो प्लीज वहीं पे पूछिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे जो लाल कलर का बटन आता है तो उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा तो उसको भी क्लिक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फ्रेंड्स।